back to my channel Light Divya. I hope you people are doing good. As you all know कि मैं अपने YouTube channel पर Delhi की best and cheapest local market series लेकर आ रही हूँ. And on the top of that is Sarojini Nagar. Yes, Sarojini Nagar Delhi का best and cheapest market है. And the cherry on the cake is that आज का दिन है Monday और Monday है Sarojini Nagar market का special day. वैसे तो सरोजनी नगर मार्केट मंडे के दिन क्लोज होता है, बट वहाँ पर सबसे ज्यादा स्पेशल मार्केट लगता है सिर्फ मंडे को, जहाँ पर आपको एक्सक्लूसिव डील्स मिलती हैं. और बाकी दिनों की कंपैरिजन में आपको मंडे के दिन सरोजनी नगर मार्केट में सबसे ज्यादा सस्ती चीजें मिलेंगी. सो गाइस, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का ये सरोजनी नगर का अमेजिंग सा व्लॉग. सो गाइस, सरोजनी नगर मार्केट विजिट करने के लिए आप लोग मेट्रो से इजीली जा सकते हैं. सरोजनी नगर मार्केट का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको सरोजनी नगर ही पड़ेगा, और आप लोग चाहे तो अपनी कार या फिर कैब से भी इजीली सरोजनी नगर पहुंच सकते हैं. आपको वहां पर पार्किंग की भी फैसिलिटी मिल जाएगी. गाइज, इट्स ऑलमोस्ट 11 AM इन द मॉर्निंग और मैं आ पहुंची हूँ सरोजनी नगर मार्केट, और अब मैं एंट्री ले रही हूँ गेट नंबर 1 से. ओके गाइस, तो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैं यहाँ पर सुबह 11 बजे पहुँच गई थी, तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है. मॉर्निंग का टाइम सरोजनी नगर विजिट करने के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम है. एक तो आपको इस टाइम पर सबसे अच्छी चीज़ें मिलेंगी, प्लस आप लोग इस टाइम पर बार्गेनिंग भी बहुत अच्छी कर सकते हैं. जैसे ही हम लोग गेट नंबर 1 से एंट्री करेंगे, वहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे स्टैंड्स मिल जाएंगे, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ और इवन 50 और 80 रुपीज़ के भी. वहीं पर इस 100 रुपीज़ वाले हैंगर में मुझे डेनिम की बहुत सारी चीज़ें दिखी. इसमें डेनिम शर्ट्स, डेनिम ड्रेसेस, डंगरीज और भी बहुत कुछ था. इवन आपको ऐसे एम्ब्रॉयडर्ड पीस भी मिल जाएंगे, जो कि क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी. अगर आप लोग गेट नंबर 1 के आसपास हैं, तो आप इस स्टैंड को ज़रूर चेक करिएगा. ये स्टैंड हमेशा वहीं रहता है. अब हम गेट नंबर 1 से लेफ्ट साइड में मुड़ जाएंगे. वहाँ पर मुझे ये 100 रुपीज़ का एक और हैंगर मिला, जहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे नाइट सूट्स और कॉटन के शर्ट्स मिल रहे थे. आप खुद ही देखिए इनके कलर कितने ज़्यादा वाइब्रेंट हैं. इनफैक्ट इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है. और अब हम पहुंच गए हैं किन शोरूम वाली गली में. इस टाइम पर देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा कम भीड़ है. जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको यहाँ पर 50 रुपीज़ के भी काफ़ी सारे हैंगर्स मिल जाएंगे. एक्चुअली गाइस, मंडे के दिन आपको बहुत ही अच्छी सेल मिलती है. आपको 50 रुपीज़ के तो हैंगर्स मिलेंगे ही, कई बार आपको 20 और 30 रुपीज़ के हैंगर्स भी मिल जाएंगे. अब ये देखिए ये क्यूट सा व्हाइट लेस टॉप, वो भी सिर्फ 50 रुपीज़ में. इट्स वेरी अमेजिंग. अब मंडे है तो रोड साइड वाली सेल तो बिल्कुल बनती है. यहीं पर एक जगह ये रोड साइड पर शूज बिक रहे थे, वो भी सिर्फ 200 रुपीज़ में. वहीं पर मैंने ये 80 रुपीज़ वाला स्टैंड देखा, जहां मुझे इतने अमेजिंग समर टॉप्स मिले. इसमें से मोस्टली रिप टॉप्स ही थे. इनकी क्वालिटी तो बहुत ज्यादा अमेजिंग थी. किन शोरूम के जस्ट सामने मुझे एक शॉप मिली जिसका नंबर है 5. यहाँ पर आपको अमेजिंग क्वालिटी की डेनिम्स मिल जाएंगी, साथ ही में यहाँ पे आपको शॉर्ट्स भी मिल जाएंगे. और ये देखिए ट्रेंडी रिप जीन्स कितनी ज़्यादा अमेजिंग लग रही हैं. जनरली इनका प्राइस 400 से 500 तक स्टार्ट हो जाता है. आप अपने अकॉर्डिंग इनसे बार्गेन कर सकते हैं. इस शॉप का कलेक्शन मुझे सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा.
अब जरा इन्हें देखिए, यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे लेदर स्कर्ट्स और मिनी स्कर्ट्स आपको मिल जाएंगे। इनकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और ये देखिए, इस शॉप के भैया भी हमें थम्स अप दे रहे हैं, तो आप भी इसी बात पर लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मैं आ गई हूँ शॉप नंबर 8 में, और इस शॉप पर आपको डेनिम ड्रेसेस, स्कर्ट्स, पार्टी वेयर ड्रेसेस, समर ड्रेसेस सभी का इतना अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा। इनफैक्ट आपको यहाँ पर गाउन लेंथ की ड्रेसेस भी मिल जाएंगी। साथ ही में आपको यहाँ पर ट्रेंडी टॉप्स भी मिलेंगे जिन्हें आपको छाटना पड़ेगा। इनफैक्ट मुझे शॉप में बहुत ही अमेजिंग से कुछ क्रोशे वाले टॉप्स भी मिले, और ड्रेसेस के तो कहने ही क्या, टोटली वर्थ इट। आपको यहाँ पर अच्छे अच्छे ब्रांड्स भी मिल जाएंगे। फिलहाल मैं हूँ शॉप नंबर 10 के बिल्कुल अपोजिट वाली शॉप में। यहाँ पर मुझे ज़ारा, H&M के ड्यूब्स भी मिले जिनकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। साथ ही में इसमें कुछ पार्टी वेयर ड्रेसेस भी मिल जाएंगी। और फिलहाल अब मैं आ गई हूँ शॉप नंबर 12 में। यहाँ पर ये देखिए, मुझे ये कितनी क्यूट सी अमेजिंग स्ट्राइप ड्रेस मिली जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इस बार सरोजनी नगर में आपको मोस्टली स्पेगेटी टॉप्स ही मिलेंगे, और आपको रिप टॉप्स, रिप ड्रेसेस सभी कुछ मिल जाएगा। ये देखिए, ये फ्लावर प्रिंट वाला टॉप कितना ज़्यादा ट्रेंडी है, और इस बार सरोजनी नगर में आपको क्रॉप टॉप्स की भरमार मिल जाएगी। सो इफ़ यू आर अ क्रॉप टॉप लवर, देन सरोजनी इज़ द जस्ट राइट प्लेस फॉर यू। इस बार मुझे सारी शॉप्स का कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगा। अब मैं आ गई हूँ लहजा शोरूम के सामने। यहाँ पर भी मुझे टॉप्स का कलेक्शन बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट इस बार मुझे सरोजनी में सबसे ज़्यादा बॉडी सूट्स भी देखने को मिले। इनकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपको क्रोशे वाले टॉप्स की भी कोई कमी नहीं मिलेगी सरोजनी में। एंड राइट नाउ आई एम एट द फेमस सरोजनी शॉप, शॉप नंबर 87। यस, ये पिछले कुछ दिनों में इतनी ज़्यादा ट्रेंड में आई है, आपको हर जगह रील्स पर दिख जाएगी। यहाँ पर आपको बिकनी का इतना अच्छा कलेक्शन मिलेगा, और वो भी इतने अमेजिंग प्राइस पर। इस शॉप में बिकनी 200 से लेकर 300 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाएगी। और इसी शॉप के बाहर मुझे एक स्टॉल मिला जहाँ पर इतने अच्छे अच्छे क्रोशे के समर टॉप्स मिल रहे थे। ज़रा इस सी ग्रीन कलर के टॉप को देखिए, ये कितना सुंदर है, और वो भी इतनी अमेजिंग नेक लाइन के साथ में, और इस वाइट शर्ट के तो कहने ही क्या, इट्स टोटली अमेजिंग। यस, यू विल गेट एन अमेजिंग एंड टॉप नॉच क्वालिटी ऑफ समर टॉप्स इन सरोजनी नगर। फिलहाल मैं शॉप पर हूँ जो कि टेडी बेयर वाली शॉप के जस्ट सामने है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा, मुझे शॉप का एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी कोऑर्डिनेटेड सेट्स मिल जाएंगे। एंड वेट, वहीं पर मुझे रोड पर 100 रुपीज़ का एक हैंगर मिला जहाँ पर इतने अच्छे अच्छे वाइट कलर के टॉप्स मिल रहे थे। साथ ही में इसमें आपको कुछ ड्रेसेस और बहुत ही अच्छे शॉर्ट्स सभी कुछ मिल जाएगा। ओके गाइस, इस बार सरोजनी नगर में आपको अमेजिंग समर कलेक्शन तो मिलेगा ही, और मंडे के दिन आपको स्पेशल डील्स भी मिल जाती हैं। आप जनरली बाकी दिनों के कंपैरिजन में अच्छा खासा बार्गेन कर सकते हैं मंडे के दिन। अब मुझे आगे इस शॉप में बहुत ही अच्छी अच्छी ये समर ड्रेसेस देखने को मिली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट्स कॉटन, टोटली कंफर्टेबल, और प्राइस तो वर्थ है ही। जनरली यहाँ पर ड्रेसेस आपको 200-300 से स्टार्ट हो जाएंगी, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग बार्गेन कर लीजिए। टेडी बेयर वाली शॉप के जस्ट सामने मुझे ये एक शॉप मिली जहाँ पर आपको बहुत ही अमेजिंग टॉप क्रॉप का कलेक्शन मिल जाएगा। जनरली आपको यहाँ पर लेस टॉप, मैक्रमे वाले टॉप्स और भी एम्ब्रॉयडर टॉप्स मिल जाएंगे। इनकी क्वालिटी भी बिल्कुल अच्छी होती है।
आई होप आपको इस शॉप की लोकेशन अब अच्छे से समझ आ जाएगी। ये टॉप वाली शॉप आपको टेडी बेयर वाली शॉप के जस्ट सामने मिलेगी। यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस शॉप। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखिए मंडे के दिन आपको कितनी ढेर सारी 50 रुपीज वाले हैंगर्स मिल जाएंगे। मुझे इसमें इतने अच्छे अच्छे और अमेजिंग टॉप्स मिले। इस बार मोस्टली यहाँ पर लेस वाले टॉप्स देखने को मिले और श्रग्स की तो कोई कमी नहीं। यू कैन सी योरसेल्फ कि कितने ज़्यादा अमेजिंग है और कलर्स भी कितने सारे अवेलेबल हैं। बट हाँ गाइज, लेट मी वॉर्न यू, जब भी आप इन हैंगर्स से शॉप करते हैं आप पेशेंटली और आराम से देखिएगा और आपको जो भी पीस पसंद आता है प्लीज़ उसे डबल चेक कर लीजिए क्योंकि इसमें मोस्टली पीस डिफेक्टिव ही होते हैं। वहीं पर मुझे ये 60 रुपीज वाला हैंगर भी मिला जहाँ पर बहुत ही अच्छे ये शिमर वाले टॉप्स मिल रहे थे। मेरा तो यार इन पे दिल ही आ गया, दे आर सो क्लासिक एंड वेल लुकिंग। एंड नॉट ओनली दिस गाइज, आपको इनमें से कुछ सीक्विन वाले टॉप्स भी मिल जाएंगे। तो आप लोग अगर सरोजनी मार्केट विजिट करने वाले हैं तो आप इन हैंगर्स को बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा, आपको इसमें से कुछ अच्छी चीज़ें भी मिल सकती हैं। अब वहीं पर ये देखिए मुझे ये 100 रुपीज़ वाला हैंगर मिला जहाँ पर इतनी अमेजिंग ये डेनिम के शॉर्ट्स और स्कर्ट्स मिल रहे थे। सो इफ़ यू आर शॉर्ट और अ स्कर्ट पर्सन देन आपको ये हैंगर्स ज़रूर चेक करने चाहिए। इनफैक्ट इसमें से आपको कुछ अच्छे ब्रांड्स के भी मिल जाएंगे जैसे कि H&M, ज़ारा, पीपल और भी काफ़ी सारे। अब ज़रा ये देखिए ये क्यूट सा शॉर्ट कितना ज़्यादा अच्छा है। वहीं पर मुझे ये 150 रुपीज़ वाले स्टॉल में इतनी अच्छी और पार्टी वेयर स्कर्ट्स भी मिली। इसमें से कुछ ट्यूले स्कर्ट्स, नेट वाली स्कर्ट्स और भी बहुत सुंदर सुंदर थी। साथ ही में इसमें कुछ एम्ब्रॉयडरी वाली स्कर्ट्स भी मिल जाएंगी अब 150 रुपीज़ में, और क्या ही लोगे यार। ये आपको उस टेडी बेयर वाले शॉप के थोड़ा ही आगे मिल जाएगी। आपको ये वाले स्टॉल जरूर से चेक करने चाहिए, इनके पास बहुत ही अमेजिंग स्कर्ट्स थी। गाइज इस बार आपको सरोजनी नगर में कॉकटेल ड्रेसेस की भी भरमार मिल जाएगी। इस बार ट्रेंडी कॉकटेल ड्रेसेस आपको इतनी ज़्यादा मिलेंगी, इनफैक्ट आपको यहाँ पर समर पार्टी वेयर ड्रेसेस भी मिल जाएंगी और गाउन्स भी। इन सभी ड्रेसेस की वैरायटी बहुत ज़्यादा है और क्वालिटी तो अच्छी है ही, साथ ही में प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल हैं और आप लोग अपने अकॉर्डिंग बार्गेन भी कर सकते हैं। टेडी बेयर वाली शॉप से अब हम आगे बढ़ते हैं बिक्सी वाली लाइन में। वहाँ पर आपको ढेर सारे ये स्टैंड्स मिल जाएंगे 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के, मंडे के दिन स्पेशली। मुझे यहाँ पर ये 50 रुपीज़ का एक स्टैंड मिला जहाँ पर इतनी अच्छी हाफ शर्ट्स और फुल शर्ट्स मिल रही थी। इनफैक्ट आप लोग खुद देखिए कि आपको इसमें जी रॉ स्टार की भी शर्ट मिल जाएगी। ये कॉटन कलर की वाइब्रेंट प्रिंटेड शर्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हैं और वाइट कलर का तो कहना ही क्या। इस 100 रुपीज़ के स्टॉल में मुझे इतने अमेजिंग टॉप्स मिले। यहाँ पे आपको एम्ब्रॉयडरी टॉप्स, किफली टॉप्स, इवन वाइट ड्रेसेस भी मिल जाएंगी। इन टॉप्स की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसी लाइन में मुझे ये 300 रुपीज़ वाला स्टॉल भी मिला जहाँ पर आपको कुर्ता और प्लाजो सेट मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो सिंगल कुर्ता या फिर सिंगल प्लाजो भी ले सकते हैं इन जस्ट ₹150। मोस्टली ऐसे स्टैंड्स में आपको कॉटन कुर्ता सेट्स और चिकनकारी कुर्ता सेट्स मिल जाएंगे।
इनकी क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी होती है और आपको इसमें डिफरेंट कलर्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। अब मैं आ गई हूँ बिक्सी से जस्ट थोड़ा सा पहले। आप जरा शॉप को देखिए, यहाँ पर कितने फंकी इयररिंग्स मिल रहे हैं। आपको ऐसी क्वर्की इयररिंग्स इंस्टाग्राम पेज पर आजकल हर जगह मिल जाएंगे, वो भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। वहीं पर मुझे ये 80 रुपीस वाला स्टॉल भी मिला जहाँ पर इतने अच्छे डेनिम शॉर्ट्स और डेनिम जीन्स मिल रही थी। जरा इस क्यूट सी पिंक ट्यूलेस स्कर्ट को देखिए, कितनी ज्यादा अमेजिंग है। इसमें आपको डेनिम स्कर्ट के साथ में कुछ फ्लोरल प्रिंट वाली स्कर्ट और शॉर्ट्स भी मिल जाएंगे जो कि कॉटन फैब्रिक में है। अब मैं आ गई हूँ बिक्सी के जस्ट सामने। बिक्सी के डायरेक्ट अपोजिट आपको ये एक शॉप मिलेगी जहाँ पर आपको बहुत ही अमेजिंग से नाइट सूट्स मिल जाएंगे। और बिक्सी के जस्ट सामने ही ये एक शॉप लगती है जहाँ पर भैया 350 रुपीस में बैग बेचते हैं। इनकी बैग की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है और ये ट्रेंडी भी बहुत ज्यादा है। इनफेक्ट आपको इसमें कुछ ड्यूप्स भी मिल जाएंगे। इनका प्राइस तो फिक्स है ही, बट क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और उसी के जस्ट साइड में आपको ये एक मेकअप की शॉप भी मिल जाएगी जहां पर आपको मेकअप का आइटम सिर्फ 50 रुपीज से स्टार्ट हो जाएगा। आई विल सजेस्ट यू कि आप ये वाला मेकअप ना लें क्योंकि इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। अब हम ग्रेफिटी लेन पर आ गए हैं और आगे बढ़ते हैं। ग्रेफिटी लेन के जस्ट साइड में आपको एक शॉप मिलेगी जहां पर आपको H&M और जारा जैसे ब्रांड के ड्यूप टी शर्ट्स मिल जाएंगी। ये क्वर्की प्रिंटेड टी शर्ट्स बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है इस साल और इनका रेट भी मोस्टली 300 या 400 होता है। वहीं पर मुझे ये एक स्टैंड मिला 100 रुपीज का जहां पर आपको बहुत ही अच्छी कॉटन टी शर्ट्स मिल जाएंगी। आप इनको लाउंज टी शर्ट्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए हैं। अब हम चलते हैं शॉप नंबर 198 में जो कि फेमस है गुफा वाली दुकान के नाम से। इस शॉप में 8 से 10 दुकानें कलेक्टिवली हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। ये गुफा वाली शॉप काफी ज्यादा बड़ी है और इसमें आपको ट्रेंडिंग समर ड्रेसेस, समर शॉर्ट्स और स्कर्ट्स और टॉप सभी कुछ मिल जाएगा। अगर आप लोग सरोजनी विजिट कर रहे हैं तो इस शॉप को बिल्कुल भी मिस ना करें। यू शुड डेफिनेटली गो देयर। अब हम आगे बढ़ते हैं गुफा वाली दुकान की जस्ट साइड वाली शॉप में जिसका नंबर है 199। ये शॉप भी बिल्कुल सेम उसी की तरह है। आपको यहाँ पर भी कलेक्टिवली बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी। आप खुद ही देखिए ये सीक्वेन टॉप कितना ज्यादा सुंदर है। इनफेक्ट आपको यहाँ पर पार्टी वेयर ड्रेसेस की बहुत ज्यादा वेराइटी मिलेगी और आपको यहाँ पर कॉच सेट्स भी बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। आप इस शॉप को भी जरूर से चेक करें। उसी के बाहर मुझे ये 80 रुपीस वाला स्टॉल मिला जहां पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के टी शर्ट्स मिल रहे थे। इसमें आपको राउंड नेक, वी नेक सभी टाइप के मिल जाएंगे। इनफैक्ट आपको इसमें कुछ एक्टिव वेयर भी मिल जाएगा जो कि आप अपने जिम के लिए यूज कर सकते हैं और इसकी क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है। इस बार मुझे सरोजनी नगर में सबसे ज्यादा मैक्सी ड्रेसेस का कलेक्शन देखने को मिला, वो भी कैजुअल एंड पार्टी वेयर बोथ। अगर आप लोग शॉर्ट ड्रेसेस पहनना पसंद नहीं करते एंड यू वांट समथिंग इन मिडी लेंथ और मैक्सी लेंथ, देन आप लोग को सरोजनी जरूर से चेकआउट करना चाहिए। उसी लाइन में मुझे एक 100 रुपीज वाला टी शर्ट का स्टॉल मिला जहाँ पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के टी शर्ट मिल रहे थे। इनफेक्ट इसमें आपको कुछ टॉप्स भी मिल जाएंगे। शॉप नंबर 205 के जस्ट अपोजिट में मुझे ये एक शॉप मिली जहाँ पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कुर्ताज मिल रहे थे।
आप लोग इसमें कुछ कॉटन कुर्ता, एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता, सभी टाइप की चीजें ले सकते हैं। इनफैक्ट आप लोग यहाँ से पैंट्स भी ले सकते हैं। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर माई फेवरेट शॉप इन सरोजनी नगर, शॉप नंबर 209। आपको यहाँ पर इतनी अच्छी वैरायटी मिल जाएगी मैक्रमे टॉप्स की, साथ ही में आपको यहाँ पर जारा और H&M के ड्यूप्स मिलेंगे, वो भी बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी में। इनफैक्ट इस बार यहाँ पर क्रोशे के सेट्स भी आए हुए थे। इस शॉप पर आपको फिक्स प्राइस ही मिलेंगे। आई होप आपको इस लोकेशन से अंदाजा हो गया हो कि ये जस्ट हल्दीराम्स के बिल्कुल सामने है। और अब हम आगे बढ़ते हैं गेट नंबर 2 वाली लाइन में। इस लाइन की शॉप्स मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट तो नहीं करती, बट आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे स्टॉल्स मिल जाएंगे, एंड मंडे के दिन स्पेशली और भी ज़्यादा अच्छे। रोड साइड पर मंडे सेल में मुझे ये एक स्टॉल मिला जहाँ पर 400 रुपीस के इतने अच्छे फुटवेयर्स मिल रहे थे लेदर के। एंड नाउ वी आर इन फ्रंट ऑफ गेट नंबर 2, साउथ विंग गेट ऑफ सरोजनी नगर। अगर आप लोग मेट्रो से आ रहे हैं सरोजनी, देन आप लोग इसी गेट से एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे भैया ऐसे सॉक्स और ये झोले बेचते हुए मिल जाएंगे, जिनका प्राइस जनरली 100 रुपीस होता है। आपको यहाँ पर 100 में 4 या 5 पेयर ऑफ सॉक्स ईजिली मिल जाएंगे, और 100 रुपीस का एक बैग भी ईजिली मिल जाएगा। अब हम इस लाइन से गेट नंबर 1 की तरफ मुड़ेंगे। इस लाइन पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे बहुत सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे ज्वेलरी और सनग्लासेस के। इनकी ज्वेलरी भी काफी ज्यादा अच्छी होती है, आपको जनरली यहाँ पे एथनिक वेयर वाली ज्वेलरी मिल जाएगी। एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स इंसेंस स्टोर। इस लाइन में आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड पर डेनिम्स के बहुत ही अच्छे शॉप्स मिल जाएंगी, जहाँ पर आपको डेनिम स्कर्ट्स, शॉर्ट्स और जीन्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मिलेगी। आपको इन शॉप्स का ज़रूर से चेकआउट करना चाहिए। इनफैक्ट इस लाइन पर आपको बहुत सारे स्टॉल्स भी मिल जाएंगे। अब जैसे कि ये 100 रुपीज़ वाले स्टॉल में मुझे बहुत ही अच्छे टॉप्स, इनफैक्ट इसमें मुझे कुछ क्रॉप टॉप और लेस टॉप भी मिले, और साथ ही में ऐसे ये एम्ब्रॉयडरी टॉप्स भी आपको मिल जाएंगे। इनकी क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। उसी लाइन में मुझे एक 50 रुपीस वाला स्टॉल मिला जहाँ पर इतने अमेजिंग से ये स्कर्ट्स मिल रही हैं। आपको इसमें टॉप, स्कर्ट्स, टी शर्ट्स सभी कुछ मिल जाएगा। इनफैक्ट आपको इसमें बहुत ही अच्छी ब्रांड्स की भी टी शर्ट्स मिल जाएंगी, जैसे कि शीन, प्रोवोक और भी काफ़ी सारी। अगर आप लोग सरोजनी नगर मार्केट विजिट करने वाले हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये स्टॉल ज़रूर चेक कीजिए। आपको इसमें कुछ बहुत ही अच्छे पीसेस मिल जाते हैं, बट इन्हें आराम से चेक कीजिएगा ताकि कोई डिफेक्टिव ना निकले। इंसेंस के जस्ट सामने ये एक फुटवेयर का स्टॉल लगता है, जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हील्स और फ्लैट्स मिल जाएंगे। इनका रेट जनरली 250-350 ऐसे होता है। और अगर मंडे का दिन है तो रोड साइड सेल तो बिल्कुल ही लगेगी सरोजनी में। ये देखिए, एक जगह पर ये डेनिम शॉर्ट्स मिल रहे थे जिनका प्राइस सिर्फ ₹50 था। अब इससे भी सस्ता आपको और क्या ही मिलेगा। वहीं पर मुझे ये एक शॉप दिखी जहाँ पर बहुत ही अच्छी डेनिम जैकेट्स भी मिल रही थी। आपको ऐसे 50 रुपीस वाले स्टॉल बहुत सारे मिल जाएंगे मंडे के दिन सरोजनी नगर में, जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे समर के कपड़े इस टाइम पर मिल जाएंगे। अब जरा ये देखिए, एक गैप का टॉप आपको किसी 50 रुपीस वाले स्टॉल में मिल रहा है, तो और क्या ही चाहिए यार। गेट नंबर 1 के बिल्कुल सामने वाली लाइन में आपको ऐसे ढेरों सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे, और रोड साइड वाली सेल भी आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगी मंडे के दिन।
जहां पर आपको ऐसे कमाल के पीस मिलेंगे, वो भी सिर्फ रुपीज 20, रुपीज 50 और 30 में। ओके गाइज, वेल विद दिस हियर वी कम्स टू एन एंड ऑफ दिस ब्यूटिफुल वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो में जरूर मजा आया हो और आप लोगों ने इसे एंजॉय किया हो। प्लीज हिट द लाइक बटन अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो, एंड यस डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ऑल्सो अगर आप लोग की कोई भी क्वेरी है या फिर डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, देन प्लीज फील फ्री आस्क मी इन कॉमेंट्स बिलो। मैं मिलती हूँ आपसे अगले ऐसे किसी ही मजेदार और फन वीडियो में, एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।